हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं न्यू ओवल्डे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है क्योंकि फाइनली इंडियन बैंक की तरफ से आ चुकी है नई वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए इंडियन बैंक की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट लेकर आए हैं, जिसका नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, इंडियन बैंक की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ पर टोटल पोस्ट जो जारी की गई है 310 से वैकेंसी अधिक यहां पर रिलीज कर दी गई है, जो कि ऑल ओवर इंडिया की जॉब है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, अगर आप बैंक में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप बैंक में जॉब पाना चाहते हैं इस साल 2022 में, तो ये वैकेंसी जो है आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, किस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा, एज लिमिट क्या है और अप्लाई करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप सभी से शिकायत भी रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। और दोस्तों, रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी और बैंक जॉब्स की अपडेट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन बैंक की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि नई भर्ती है इस साल 2022 की। फाइनली नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 310 से अधिक पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि सरकारी बैंक है, बड़ी भर्ती है। सैलरी फ्रेंड्स आपको मिलेगी सिलेक्शन होने पर 51,490 रुपए, जो कि काफी शानदार सैलरी है। और इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी सभी जानकारी और साथ ही साथ आपको अप्लाई कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। दोस्तों, हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो आपके सामने है, tipswaralbus.xyz। फ्रेंड्स, यहां पर आप जाकर के वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, सेकंड नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in। यहां पर भी आपको डेली बेसिस पे नई वैकेंसी की अपडेट दी जाती है, तो आज ही जानकारी लें और अप्लाई करें। फ्रेंड्स, फाइनली ये देख सकते हैं आप, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंडियन बैंक की तरफ से जारी हो चुका है। पोस्ट की बात करते हैं तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके आवेदन आप देख सकते हैं 24 मई से 14 जून 2022 तक इसके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। तो दोस्तों, आवेदन जो है 24 मई से शुरू हो चुके हैं। यहां पर अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर में यहां पर काफी सारी वैकेंसी है। तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं कितनी सारी है, 60 टाइप्स ऑफ वैकेंसी यहां पर जारी हो चुकी है और टोटल वैकेंसी जो है यहां पर मैंने आपको बताया 310 से अधिक वैकेंसी है। चलिए, बाकी सभी जानकारी के लिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन बैंक की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों, यहां पर जो पोस्ट जारी की गई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है और यहां पर वैकेंसी डिटेल्स में आप देख सकते हैं मल्टीपल जॉब है, सीनियर मैनेजर की अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी है, चीफ मैनेजर की भी अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर की भी अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी है, वहीं मैनेजर की भी अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी है और यहां पर काफी सारी पोस्ट है जिसकी जानकारी भी आप नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 312 है। तो यहां पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इंडियन बैंक की तरफ से और इसके आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करने होंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी लिखित परीक्षा होगी, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो आपको यहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सैलरी आपको मिलेगी 23,700 से 51,490 रुपए पर मंथ, जो कि काफी अच्छी सैलरी है, ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है। वहीं दोस्तों, एज लिमिट जो है मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम जो है 40 साल है। आईसीएमए में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जो है ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 है, जीएसटी भी है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 175 है प्लस जीएसटी। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों, यहां पर अगर आप ग्रेजुएट पास है, केवल ग्रेजुएट पास है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस में हो या बीबीटेक हो, तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। केवल यहां पर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आप ग्रेजुएट पास है तो। वहीं दोस्तों, इसके आवेदन जो है ऑनलाइन कब से कब तक चलेंगे, 24 मई से शुरू हो चुके हैं, 14 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है, तो 14 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने का लिंक मिलेगा, यहां पर आपको जस्ट क्लिक करना है और आपके सामने इस तरीके से एक नया पेज आएगा। आप देख सकते हैं 24 मई से 14
14 जून तक आवेदन चलेंगे। यहां पर अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो यहां पर आपको करना क्या होगा, लॉगिन करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट करना है। फिर उसके बाद आपको जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है फिलअप करके आपको फॉर्म को सबमिट करना है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको येलो कलर का जो बटन है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहां पर आपको जस्ट क्लिक करना है, आपके सामने ही ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको 5 स्टेप्स कंप्लीट करनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली स्टेप जो है बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका फर्स्ट नेम कंफर्म करना है, मिडिल नेम कंफर्म करना है, लास्ट नेम कंफर्म करना है और आपका पूरा नाम यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, आपका अल्टरनेटिव कोई दूसरा नंबर है तो वो आप यहां पर दे सकते हैं, और आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको देना है, आपका कौन सा डोमेन है, जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको ईमेल आईडी को रिपीट करना है, कंफर्म करना है, कैप्चा कोड डालना है, आपके पास जो भी आता है वो आप टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेकंड जो स्टेप है वो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का, जिसमें आपकी जो भी क्लियर कट जो अच्छी फोटोग्राफ्स होती है वो आपको अपलोड करनी है सिग्नेचर के साथ में। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स होती है थर्ड स्टेप में वो आपको फिलअप करनी है, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी जानकारी आपको देनी है। उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है, चेक कर लेना है कि आपने कोई गलती तो नहीं की, अगर आपने कोई गलती की है तो करेक्शन कर दीजिएगा। और उसके बाद फाइनली करेक्ट करने के बाद में, प्रीव्यू करने के बाद में आपको पेमेंट करना होगा। ध्यान करके आप प्रीव्यू कर लीजिएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज अगर आप करते हैं तो बाद में आपका पेमेंट भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको पेमेंट करने से पहले प्रीव्यू करना होगा, अच्छे से चेकआउट करना होगा, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है, और अप्लाई करने के समय आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए, ताकि उनकी जो स्पेलिंग होती है वो आप टाइप करते समय बिल्कुल करेक्ट डालें, ठीक है, कोई भी गलती ना करें, ठीक है। तो आपको पेमेंट करना है, उसके बाद फाइनली आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपको जो है सबमिट करना है, फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों नोटिफिकेशन में भी आपको कंप्लीट जानकारी दे रखी है, नीचे आप जाकर के हाउ टू अप्लाई के सेक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहां पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और यहां पर आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, और इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू में किस प्रकार आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वो डिटेल्स में यहां पर जानकारी दे रखी है। एग्जाम का सिलेबस भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे रखी है, अधिक जानकारी के लिए इसे चेकआउट कीजिएगा। और दोस्तों आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके सिटी के आसपास की वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी प्रकार सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।